नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों आज हम लोग एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। काफ़ी लोगों को उत्साह होता है क्या होता है ये, और काफ़ी लोगों को शायद पहले से ही पता हो, बस आज मैं कुछ पॉइंट उस रिलेटेड में आज कवर करना चाहता हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीलांसर वीज़ा, जिसको आज़ाद वीज़ा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको काफ़ी सारे नाम है, जैसे कि ओन वीज़ा भी बोला जाता है, खुद का वीज़ा भी बोला जाता है, मेरा वीज़ा बोला जाता है, अपना वीज़ा बोला जाता है, इस तरीके से काफ़ी सारे नाम है। मगर आप दिमाग में रखो, इसको फ्रीलांस वीज़ा बोला जाता है या आज़ाद वीज़ा बोला जाता है। ये क्या होता है? तो ये होता है ना कि आप खुद किसी कंपनी को पैसे देने हैं, ठीक है, और आपने खुद का एक वीज़ा खरीदना है 2 साल का या 3 साल का, इसका ड्यूरेशन होता है 2 साल या 3 साल का। तो वो कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको NOC देती है, ठीक है, कि आप बाहर आप काम कर सकते हो, हमारी कोई एतराज़ नहीं है, और आपको इस रिलेटेड काफ़ी सारी NOC और भी मिल जाती है ताकि आप आराम से बाहर किसी भी कंपनी में जाके आपके तरीके से काम कर सकते हो। तो आज इस टॉपिक पे ऊपर हम लोग बात करेंगे कि अगर आप फ्रीलांस वीज़ा लेते हो तो उसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, कितने टाइम का होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उसके लिए लगते हैं, इसके चार्जेस कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है, वैलिड 6 मंथ उसमें वैलिडिटी होनी ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपको अच्छे प्रोफेशन का वीज़ा अगर चाहिए, किसी कोई लोग मैनेजर प्रोफेशन का लेते हैं, कोई अच्छे प्रोफेशन का लेते हैं, तो आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी है विथ UAE अटेस्टेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट ये होता है आपका कि आपको एमिरेट्स ID मिल जाता है, जो यहाँ पे नॉर्मली सबके पास होता है। एक बाहर काम करने के लिए आपको एक NOC मिल जाती है, जो आपने संभाल कर रखी होती है। अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो वो NOC आपने वहाँ पे दिखानी है और वहाँ पे आप काम कर सकते हो उस कंपनी में, ठीक है। इसके साथ आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस की भी NOC मिल जाती है, मतलब आप यहाँ पे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ का निकालना है आपको कोई भी, तो आपके पास वो NOC भी कंपनी से होनी ज़रूरी होती है, जो NOC आपको आज़ाद वीज़ा के साथ, मतलब फ्रीलांस वीज़ा के साथ मिल जाती है। उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी एक NOC होती है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, वो नॉर्मली NOC की ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी किसी बैंक में NOC लग जाती है तो आपको वो इसके साथ मिल जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका ये एडवांटेज बेनिफिट है दोस्तों कि इसमें अपने हिसाब से काम करना है, मतलब आपके पास तो अभी खुद का वीज़ा है, राइट, फ्रीलांस वीज़ा जब आपका निकल आता है तो आप जाओ किसी कंपनी में इंटरव्यू दे दो, अगर अच्छी लगी कंपनी, सराउंडिंग अच्छा लगा तो आप काम करो, नहीं करना है तो छोड़ो, क्योंकि आपके पास तो खुद का वीज़ा है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कंपनी मेरा वीज़ा लगाएगी तो मुझे काम करना है। काफ़ी लोग होते हैं जो अंडर प्रेशर काम करते हैं, कभी कभी उनको वो कंपनी या वहाँ का काम पसंद नहीं होता है, मगर वीज़ा होता है, सैलरी चालू होती है, इसलिए उनको वहाँ पर काम करना पड़ता है। मगर इस कंडीशन में अगर आपका खुद का वीज़ा है तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है कि आप वो कंपनी कभी भी छोड़ सकते हो, कि नहीं मुझे नहीं करना है ऐसे, अगर काम है तो मैं जाता हूँ दूसरी कंपनी में, क्योंकि वीज़ा आपका खुद का है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये है कि सैलरी भी इसकी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। सैलरी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि आपका खुद का वीज़ा होता है, ठीक है, कंपनी कोई एक्सपेंस नहीं लगाती है आपको वहाँ पे काम करने के लिए वीज़ा के लिए। तो आप ये पॉइंट भी वहाँ पे रख सकते हो कि सर मेरा वीज़ा तो खुद का है तो मैं, मुझे एक्सपेक्ट है, ये सैलरी मुझे चाहिए। इस तरीके से आप सैलरी निगोशिएशन भी कंपनी के साथ अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप जाके दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद कॉमन ये है, काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना, वो ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं, आज़ाद वीज़ा लेते हैं, क्योंकि विजिट वीज़ा अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, फ्रीलांस वीज़ा, आज़ाद वीज़ा निकालते हैं, ड्राइविंग के लिए अप्लाई करते हैं, तकरीबन 2-3 महीने में वो ड्राइविंग लाइसेंस निकल जाता है, फिर वो अपना काम कोई भी जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से
अगर फ्रीलांस वीज़ा लेते हो तो आप ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हो। तकरीबन 2 महीने का प्रोसेस होता है, 2-3 महीने का, वो कंप्लीट करके आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी इसमें मिल जाता है। तो आप एज अ ड्राइवर भी काम करना तो कर सकते हो, या कहीं पे भी एज अ मैनेजर काम करते हो तो वहाँ पे भी आजकल आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या नहीं ये देखा जाता है। कोई सेल्स का काम आप कर रहे हो तो उसमें भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं देखा जाता है। तो इस तरीके से ये पॉइंट भी आपका कवर हो जाता है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों, काफ़ी सारे इंडियन को ये पॉइंट सबसे अच्छा लगेगा कि मुझे भी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि जब आपके पास फ्रीलांस वीज़ा होता है आप जब चाहे घर जा सकते हो, इंडिया जा सकते हो। ठीक है, आपको लग रहा है हाँ चलो ठीक है मैं 3 दिन जो है ना या 4 दिन में इंडिया जाता हूँ फिर जाता हूँ वापस आता हूँ, तो इस तरीके से क्योंकि आपका खुद का वीज़ा है दोस्तों। ठीक है, कितने बार भी आप अंदर आके मतलब UAE आके बाहर जा सकते हो, ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। आप आओ जाओ आओ जाओ जब चाहे आप, जैसे आपके पास पैसे जमा हो जाते हैं, कोई त्यौहार होता है, किसी का कोई फेस्टिवल है, कोई शादी है, कोई भी कुछ भी काम है आपका, कोई अच्छा काम है, कोई इमरजेंसी है, तो आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता क्योंकि आपका खुद का वीज़ा है। सबसे इम्पोर्टेंट और एक पॉइंट है दोस्तों, अगर आप इसमें बैंक स्टेटमेंट बनाते हो, इसमें क्या होता है ये फ्रीलांस वीज़ा में आपकी सैलरी भी कंपनी में जो भी आपके साथ तय हुई है वो डाली जाती है। अगर आपका एक अच्छा प्रोफेशन का वीज़ा है और आपकी सैलरी भी अच्छे से जमा हो रही है बैंक में, वो आपको मिलती नहीं है सैलरी, वो बस एज ए डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो आप आगे जाकर कनाडा यूरोप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब वहाँ पे अगर आपने जाना है तो यहाँ पे एक अच्छी सी हिस्ट्री बना के, आपका खुद का वीज़ा लेके अच्छी हिस्ट्री बनाओ, अच्छा बैंक स्टेटमेंट बनाओ, और यहाँ से UAE से आप यूरोप और कनाडा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कौन से ऐसे काम होते हैं, नॉर्मल मैंने कुछ काम निकाले, वैसे काफ़ी सारे काम होते हैं फ्रीलांसर वीज़ा में आप कर सकते हो। लाइक ड्राइवर का जॉब आप कर सकते हो अगर आपके पास फ्रीलांसर वीज़ा और ड्राइविंग लाइसेंस है तो। उसके बाद प्लम्बर, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, AC टेक्नीशियन, क्लीनर, हेल्पर, इस तरीके से काफ़ी सारे काम हैं। दिहाड़ी पे आप अगर आपको कुछ पता ही नहीं है काम का तो आप वो भी कर सकते हो, एज ए सेल्स पर्सन भी आप काम कर सकते हो, कमीशन बेसिस पे भी आप काम कर सकते हो किसी कंपनी में सेल्स बॉय मतलब सेल्स पर्सन होके। उसके बाद वेब डिज़ाइनर आपको पता है तो एज वेब डिज़ाइनर आप काम कर सकते हो घर बैठ के, बस कंपनी से कॉन्टैक्ट करो हाँ मैं फ्रीलांसर हूँ मैं आपको आपकी वेबसाइट बना के देता हूँ, ये बोल के आप वेबसाइट बना सकते हो। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हो आप किसी कंपनी के लिए घर बैठ के, किसी कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं, आपका खुद का वीज़ा है, घर बैठ के आप काम कर सकते हो। कंपनी के साथ आपने कम्युनिकेशन करना है, बोलना है मैं फ्रीलांसर हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं आपको ये सारी चीज़ें बना के दे सकता हूँ, आप डीलिंग करो पैसे को जो भी है और उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बना के आप कर सकते हो उनके साथ। उसके बाद ऐप डेवलप कर सकते हो आप, मोबाइल ऐप जो आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे टैक्स कंसल्टेंट भी यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर वीज़ा काम करते हैं, जो मल्टीपल कंपनियों के साथ उनका टाइप होता है, जो एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं। उसके बाद अकाउंटेंट अगर आप हो तो ये भी काम कर सकते हो, मल्टीपल कंपनी के साथ अपना रिश्ता बनाओ, रिलेशंस बनाओ और उनका अकाउंट का काम भी आप देख सकते हो। अगर आप लेडीज़ हो, लड़की हो, तो आप ब्यूटी पार्लर में भी काम कर सकते हो अलग अलग जगह पे, मतलब कभी सुबह यहाँ पे किया, शाम को इस तरह, मतलब अलग आपके हिसाब से आप काम कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये फ्रीलांसर वीज़ा कितने टाइम का होता है। ठीक है, ये होता है तकरीबन 2 या 3 साल का, आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितने साल का लेना है। ठीक है, अलग अलग जगह से ये इशू होता है, अबू धाबी से इशू होता है, दुबई से इशू होता है, अलग जगह से होता है, मगर फेमस है दुबई का वीज़ा, काफ़ी सारे लोग जो है वो दुबई का ही फ्रीलांसर वीज़ा लेते हैं और अपना काम करते हैं। आप कहीं से भी वीज़ा इशू करो, आप कहीं पर भी काम कर सकते हो, UAE के अंदर कहीं पर भी काम करो, ऐसा नहीं कि दुबई का वीज़ा है तो आप दुबई के अंदर ही काम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप UAE में कहीं पर भी आप जाके वैलिड आपका काम कर सकते हो। 2 साल का टाइम ख़त्म होने के बाद आपने वो कंपनी को फिर कॉन्टैक्ट करना है और आप ये रिन्यू कर सकते हो। ये नीचे जो नंबर दिए आपको अगर फ्रीलांसर वीज़ा चाहिए, आज़ाद वीज़ा चाहिए, तो इस नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर आपको दिक्कत हो रही है, पता नहीं है जानकारी, तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चार्जेस इसके अलग अलग होते हैं दोस्तों। 2 साल का चार्जेस तकरीबन 10-11 हज़ार दिरहम में बात कर रहा हूँ मैं, और 3 साल का अगर है तो 14-15 हज़ार दिरहम में इसके चार्जेस होते हैं, डिपेंड होते हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग चार्जेस होते हैं,
मगर इसमें बस ये बात है दोस्तों कि फेक एजेंट से आपने बच कर रहना है। हो सकता है आपको बहुत कम चार्जेस बता के आपको चूना लग सकता है, तो इस बातों को थोड़ा अवॉइड करो। कम सस्ती चीज़ें जो होती है ना वो तकरीब प्रॉब्लम देती है आगे जाकर, ठीक है। काफ़ी लोग फंस जाते हैं इसमें। आपको कोई ऐसा बोले कि हाँ मैं 5,000 में आपको वीज़ा देता हूँ तो आप झट से मान जाओगे, मगर वो पैसे आपके लेकर वो भाग जाएगा या आपके साथ चीटिंग हो सकती है। तो ये थोड़ी सी आपने मतलब ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिल सकती है। इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो इस नंबर पर मैंने काफ़ी सारे नंबर्स कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में भी डाले होते हैं, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और चले फिर, कोई आपकी क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।